आपको बाहर निकाल लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आराम से देख पा रहे हैं आप इस चीज को कि इसने अभी अभी मेरे ग्लव्स पर काटने की कोशिश करी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक स्नैक सेवर और हमारे घर पे। दोस्तों सुबह के 8:30 बज चुके हैं और सुबह सुबह के समय में घर में एक सांप का नजर आना एक थोड़ा अलग अनुभव है। तो हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन सा सांप है जो आज हमारे घर में चला आया है, आइए देखते हैं। दोस्तों घर के स्टोर रूम में रखी इस लकड़ी की अलमारी में आज सुबह कुछ सामान निकालते समय हमें यह सांप नजर आया। तो दोस्तों जैसा कि अलमारी में आपने अभी देखा, ये एक कॉमन वुल्फ स्नेक है जिसका साइंटिफिक नेम है लाइकोडन ओलिकस। तो आइए इस सांप को हम रेस्क्यू करते हैं अपने ही घर से। रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास में जो किट है उसमें एक है रेस्क्यू हुक और रेस्क्यू टॉन्ग, लेकिन चूंकि सांप बहुत छोटा है इसलिए इन औजारों की कोई आवश्यकता नहीं। लिहाजा सांप कोई भी हो वो सावधानी रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम ये ग्लव्स पहन लेते हैं। ग्लव्स से ये होगा कि सांप काटने की कोशिश तो करेगा ही, चाहे वो जहरीला हो या बिना जहर वाला। जैसा कि इस सांप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। तो आइए इस सांप का हम रेस्क्यू करते हैं। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, मगर ये काटने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि कोई भी सांप हो या कोई भी जीव हो, अपने बचाव में हमला करना या काटना जरूर पसंद करता है। इस सांप के बारे में कुछ जरूरी जानकारी हम देंगे, पहले हम इसे यहां से बाहर निकाल लें। दोस्तों हमने सांप को बाहर निकाल लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, आराम से देख पा रहे हैं आप इस चीज को कि इसने अभी अभी मेरे ग्लव्स पर काटने की कोशिश करी। आप फिर से देख सकते हैं इस चीज को, ये सांप काटने में माहिर है, काटने की बहुत कोशिश करेगा। हालांकि ये जहरीला नहीं है, इसके काटने से मुझे कुछ असर नहीं हो सकता। दोस्तों ये है कॉमन वुल्फ स्नेक लाइकोडन ओलिकस। अक्सर लोग क्रेत समझने की इसे गलती कर बैठते हैं, मगर क्रेत में और इसमें काफी अंतर है। आइए इसे कमरे से बाहर लाके थोड़ा अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज सुबह सुबह हमारे घर में स्टोर रूम के अलमारी के अंदर ये सांप पाया गया। ये छोटा सांप है, आखिर ये सांप हमारे घर में कैसे आया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस सांप को छिपकलियां खाना बहुत पसंद है, छिपकली, चूहे के बच्चे, मेंढक, ये सब इसके प्रिय भोजन है। दीवारों और दरवाजों पर चढ़ने में माहिर ये सांप अक्सर रात में भ्रमण करता है। रात में ही किसी समय दरवाजे या खिड़की के किसी कोने से, ये शायद मेरे घर में जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, इससे इसके लिए आने की जगह है, हम कहाँ कहाँ से इसको रोकेंगे। ये दूसरी बार है कि ये सांप मेरे ही घर में घुसा है। आप देख सकते हैं ब्राउन कलर और वाइट बैंड्स और ट्रायंगल शेप में इसका सिर, ये है कॉमन वुल्फ स्नेक। ये एक नॉक्टर्नल स्पीशीज है जो अक्सर रात में बाहर निकलते हैं। रात के ही समय ये भोजन या हो सकता है गर्मी की तलाश में, चूंकि ठंड बढ़ चुकी है तो ये हमारे घर में घुस गया होगा, जिसे हमने आज सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। हम कुछ ही देर में इसे बाहर जंगल में रिलीज कर देंगे। सेफ्टी के लिए मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, हालांकि ये वो ग्लव्स नहीं हैं जो स्नेक रेस्क्यू के लिए यूज़ होते हैं, मगर इस छोटे सांप के लिए इसका यूज़ ठीक होगा। हमने जैसा कि हमारे रेस्क्यू किट बताया, इस सांप को रेस्क्यू करने के लिए उन रेस्क्यू किट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा है,
ये वुल स्नेक में बच्चा है। हालांकि वुल स्नेक ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, 2-4 फीट से ज्यादा ये बड़े नहीं होते हैं। तो आइए हम इसे अब, ये एक छोटा सा बॉक्स है, ये एयरटाइट नहीं है, इसके अंदर सांप को कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं इसे अब इस बॉक्स में डाल लेता हूं। तो आइए ऐसे इस बॉक्स में अब हम इसे पैक कर लेते हैं। एक छोटा सा रेस्क्यू था जो आज सुबह मेरे ही घर में कंप्लीट हुआ। अब मैं ग्लव्स निकाल लेता हूं क्योंकि इनकी अब जरूरत नहीं है। दोस्तों ये था कॉमन वुल्फ स्नेक। सांपों का पर्यावरण में बचे रहना, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत जरूरी है। सांप हमारे इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में मददगार है और पर्यावरण को सुचारू रूप से चलाने में इनकी भी एक अहम योगदान है। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि सांपों को बचाएं ना कि मारें। दोस्तों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे साझा करें और हमारे यूट्यूब चैनल अशोका द स्नेक सेवर को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। साथियों, प्रकृति के बीच इस सांप को आज़ाद करने के लिए अब हम आ पहुँचे हैं इस खूबसूरत जंगल में जो असल में सांप का घर है। और ये अब जा रहा है अपने घर में।